हाँ करो। नमस्कार बग्गा साहब, गुरबानी पे अपनी ये चर्चा अपन शुरू रखेंगे। अब तक आपने गुरु शब्द आदि के बारे में बताया जो कि काफी यूजफुल जानकारी थी और इसका हमको हमारे चैनल पर अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया करता सब्सक्राइब कर दे ताकि आप आगे की हमारी बातचीत का फायदा भी उठा सके। नमस्कार बग्गा साहब। नमस्कार जी। नमस्कार, मैंने आपने जो गुरबानी भेजी थी उसको सुनी, मेरे को कुछ समझ में आई, पर अभी दो चार बार और सुनूंगा तो मैं शायद उसको पूरी समझ पाऊंगा, फिर मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सर मैं बेसिकली एक जैन हूँ, जैन धर्म का धर्मावलंबी हूँ, और जैनियों में जैसे हमारे एक नौकार मंत्र होता है जिसको महामंत्र बोलते हैं, और कुछ भी काम करने से पहले या अच्छे काम करने से पहले हम उसको शुरू करने से पहले उसको बोलते हैं, और कभी नहीं भी होता है तो हम उसका जप करते हैं। इस तरह का कुछ गुरबानी और सिखिज्म में कुछ है क्या? हाँ, क्योंकि मैं इस बारे में आपको बताऊं कि एक्चुअल में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सब का में किसी ना किसी मंत्र का जिक्र मिलता है। कोई हर धार्मिक ग्रंथ का अपना एक मंत्र होता है। तो उसी प्रकार जो है हमारे गुरबाणी में भी जो है ग्रंथ साहिब में भी मंत्र का जो है जिक्र किया है कि मंत्र जो है वो क्या है और उसके उसके बारे में बताया गया। अच्छा, तो अब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मंत्र के बारे में, अपन ये समझे कि सबसे पहले कि मंत्र का मीनिंग क्या है। क्योंकि मंत्र का मीनिंग अगर आप समझ आ जाएंगे तो काफी आपको क्लियर हो जाएगा इसकी यूटिलिटी क्या है। भाई 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 व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ मंत्र, राइट राइट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो ये तभी समझ आएगी। तो मंत्र जो वर्ड है ये प्रिंसिपली संस्कृत का वर्ड है जी, और इसका जो मीनिंग बनता है वो बनता है मन से और तरंग से, मन प्लस तर। अच्छा, तो क्योंकि मन प्लस तर का मतलब हो गया मन की तरंग, तरंग। अच्छा, मन की तरंग से जो इनके संधि होके ये मंत्र शब्द बना है। हाँ, तो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि ये कोई ऐसा एक वर्ड है या फ्रेज है जो आपके मन की तरंगों को कंट्रोल करता है। अच्छा, राइट, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स अ वेरी सिंपल टूल टू कंट्रोल द वेज ऑफ योर माइंड। मन तो क्या है, भटकता है, मन तो क्या चंचल है, मन तो पारे की तरह है कि इधर उधर भागता है, दसों दिशाओं में भागता है, कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे चला जाएगा। तो इतना वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है मंत्र बड़ा यूजफुल होता है। अच्छा, तो मंत्र का जो पर्पज है वो हो गया क्लियर जो है बिल्कुल। मतलब मंत्र मन की तरंगों को कंट्रोल करने के लिए होता है, इसलिए इसका यूजफुल होता है। इसका कहीं आपको ये ईश्वर से भी जोड़ने का लिंक है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, इट क्योंकि मंत्र वही है जो अल्टीमेटली आपको दो काम करेगा, एक आपकी मन की तरंगों को कंट्रोल करेगा और आपका कनेक्शन तो सुप्रीम रियलिटी से बनाएगा बनाएगा बनाएगा। अच्छा, हाँ, वो तो बना, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है उसका। यस, अच्छा, हाँ, दोनों ही काम करता है वो, जो कोई भी मंत्र होगा वो दोनों ही काम करेगा। ठीक है, नहीं तो आपकी मन की अवस्था को भी कंट्रोल रखेगा इस वर्ल्ड में, और आपको जो है वो उससे जो है सुपर रियलिटी से कनेक्शन करने का भी काम करेगा, वो काम करेगा। अच्छा, जैसे क्या है कि आप देखिए, आपको बिजली का होता है ना, आपके प्लग होता है, प्लग होता है, जब तक आप वो प्लग नहीं डालेंगे सॉकेट में तब तक वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट, राइट। तो उसी प्रकार जो है ना ये जो मंत्र है ना ये काम करता है उसका अपना प्लग का, प्लग का मतलब इटर्निटी से कनेक्शन करने का। ओके, कनेक्शन करने का, जब आपका प्लगिंग हो जाएगा तो आपका कनेक्शन भी हो जाएगा और आप जो है उससे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे उस पे जो है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है इसकी इम्पोर्टेंस, बहुत इम्पोर्टेंस है उस पर इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, नहीं अब जनरली क्या है कि जो जितने भी जो हमारे एशियंट धार्मिक ग्रंथ है या जो भी ग्रंथ है उनमें, क्योंकि जनरली टेक्सचुअल है, ऑल द ग्रंथ्स आर टेक्सचुअल, तो उनका जो मंत्र है वो जनरली एक टेक्स्ट से अलग होता है, मतलब मंत्र इज डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, और मंत्र को जनरली वो एक सीक्रेट समझा जाता है, इट इज समथिंग विच इज सीक्रेट, राइट, कहते हैं ना सीक्रेट मंत्र सीक्रेट है। लेकिन इस हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है कि जो मंत्र जो जिक्र हुआ है
वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो जिक्र होता है वो इस प्रकार से आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मंत्रास। मंत्र एक ही है जिसको अलग अलग नाम दिए गए हैं से जाना गया है। उसमें एक सबसे आता पहला आता है मूल मंत्र। मूल मंत्र फिर उसी मंत्र को जो है रेफर किया गया। दूसरा एक बीज मंत्र। अच्छा। फिर उसके बाद में जो है अपना जो नाम आता है उसके अंदर में आता है बीज मंत्र आ गया, मूल मंत्र आ गया, और फिर आता है नाम मंत्र। फिर एक रेफरेंस मिल जाता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र राइट, क्योंकि गुरबाणी है तो गुरबाणी से जो है वो गुरु से मिलने वाला मंत्र जो है वो गुरु मंत्र कहलाता है। गुरु मंत्र हो गया, ठीक है नी। हाँ, तो एक्चुअल में ये जो गुरु मंत्र जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये जो है सारे के सारे जो है वो एक ही है वर्ड है, मतलब इनका टेक्स्ट एक ही वर्ड एक ही है सबका। जैसे मूल मंत्र है वो भी एक वर्ड है, बीज मंत्र है। अच्छा, बीज मंत्र का मतलब क्या हो गया? गुरु मंत्र है, बीज मंत्र। देखो, बीज मंत्र का मतलब इट इज ए सीड, इट एक्ट्स एज ए सीड, राइट। अब सीड की क्वालिटीज क्या होती हैं? सीड की क्वालिटी होती है कि आप जब उसको किसी भी जगह बोएंगे तो उसमें से कुछ पेड़ पैदा होगा, कुछ फल पैदा होगा, जड़ें निकलेंगी और सीड पैदा होता है। तो सीड वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए उस सीड की। अच्छा अच्छा सीड होगा तो अच्छा फल देगा। बिल्कुल। तो उसी प्रकार जो है ये जो बीज मंत्र जिसको कहा गया है, बीज मंत्र है, सीड मंत्र है, इस सीड की भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सीड जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वालिटीज, जिसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तभी कंप्लीट सीड बनेगा ना। तो इसलिए जो है उसी प्रकार ये भी इसका है कि बीज मंत्र भी एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों वर्ड टुगेदर हो। टुगेदर हो, राइट। तो अब यहाँ पे जो है हमारे इसमें जो मंत्र बन जाता है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सिंगल पेयर वर्ड, सिंगल वर्ड जो पेयर है, यहाँ पे क्लियर होता है उसकी सिग्निफिकेंस जो है। जो गुरु वर्ड है, जो द्विवचन है, वो सिंगल वर्ड इटसेल्फ बिकम्स द मंत्र, बिकॉज इसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा। क्योंकि गुरु जो द्विवचन है वो कॉम्बिनेशन है दो सिंगुलर का, हमने जो गुरु वर्ड जो समझा था द्विवचन, वो हमें गुरु वर्ड जो द्विवचन समझा था वो यही था कि इसको अपन जो है कंसीडर कर सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंगुलर्स, राइट। तो ये जो दो सिंगुलर जो वर्ड बनते हैं ये एक मैस्कुलिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मैंने आपको बताया था वो उसको डिपेंड करता है। तो द गुरु वर्ड इटसेल्फ बिकम्स ए वेरी परफेक्ट वर्ड फॉर द बीज मंत्र, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव हो जाती हैं, राइट। तो इसीलिए जो है मतलब जो आप जो मूल मंत्र जो जो हमारा जो फर्स्ट सिंबल है, जो गुरबाणी का फर्स्ट सिंबल इटसेल्फ जो है एक्चुअल में उसका जो जो रेफरेंस है गुरु और उसका जो हरि नाम है वो दैट इटसेल्फ बिकम्स द मूल मंत्र। तो मूल मंत्र जो है डिफाइंड भी है गुरबाणी में, एक जगह आता भी है एक जगह कि मूल मंत्र जो है किसको कहा गया है, कहा गया उसको जो है मूल मंत्र हरि नाम रसायन। मूल मंत्र हरि नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मूल मंत्र है वो हरि नाम का जो रसायन, रसायन समझते हैं आप, रस पूरा, जैसे सिरप होता है, जिसको सिरप कहते हैं, सिरप, राइट। तो मूल मंत्र की जो है क्वालिटी ये बताई गई है कि इट इज द सिरप ऑफ द हरि नाम, ओके, ठीक है नी। जिसको हमने फिर जाना था कि हरि नाम क्या है, जो हर हर है या गुरु गुरु है, लाइक दैट, जो दो वर्ड आते हैं जो कॉमन आते हैं, जो वर्ड आते हैं, इसलिए ये क्लियर हो जाता है कि ये मूल मंत्र क्या होना चाहिए, ठीक है नी। उसी प्रकार जो है फिर बीज मंत्र के बारे में आया कि बीज मंत्र का ऐसा बताया गया कि बीज मंत्र का सबको ज्ञान, बीज मंत्र ऐसा है जिसका सबको ज्ञान होना चाहिए। Nothing secret about that. चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई भी है, अगर वो बीज मंत्र को ही अपना मान के चलता है
तो ही कैन आल्सो अचीव द स्टेट ऑफ दैट साल्वेशन और परम गति जिसको हम बोलते हैं राइट right? इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ ये सिर्फ गुरबाणी में ये आता भी है पढ़या अनपढ़या दोनों ही परम गति पा लेते हैं वो कैसे पा लेते हैं भाई पढ़ने वाला तो क्योंकि उसको तो पढ़ना है उसका बिना पढ़े रह नहीं सकता वो राइट अब अनपढ़ है वो तो पढ़ नहीं सकता तो वो तो सुन के ही उसको जो है ना वो बीज मंत्र को सुन के ही उसका जो है वो स्टेट को अचीव कर सकता वो जो है तो क्योंकि उस प्रभु के आगे या उसके सुप्रीम रियलिटी के आगे उसके लिए तो सारे बराबर है सारे बराबर वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता वो वहां पे आगे जाके कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि आप पीएचडी किए हो या आप फर्स्ट क्लास पढ़े हो यहाँ ये सब ये तो वर्ल्डली आपके अचीवमेंट्स है ठीक है नहीं वहां पे उसके आगे तो वो उसके कंसिडरेशन अलग है उसने उसने आपका जो है सिलेक्शन जो करना है वो उसका क्राइटेरिया उसके हिसाब से अलग है उसका जो अलग है ठीक है तो इस प्रकार जो है ये मंत्र हो गया तो अब क्या है कि जितने सारे मंत्र इसका तो एक ही मंत्र है पूरी गुरबाणी के अंदर जो वर्ड गुरु से रिलेटेड है अच्छा गुरु मतलब द्विवचन वाला ठीक है नहीं द्विवचन वाला या तो इसके लिए क्या हो गया कि इसका तो गुरु वर्ड इट्स बिकम्स द मंत्र जिसपे हमारे यहाँ एक वाह गुरु किया जाता है इसलिए गुरु को ही जो है वर्ड को ही वो मंत्र बन जाता है वो उसपे सारे ऑटोमेटिकली सारे आ जाते हैं जितने हैं क्योंकि सारे रेफरेंसेस गुरु के लिए हैं गुरु के लिए है राइट तो ये एक क्लैरिटी है कि मंत्र का जिक्र है लेकिन वो मंत्र जो है वो क्या है और वो किसके लिए है और ये क्लैरिफाई हो जाता है यहाँ से यह जनरली जो है एक ही है वर्ड है जिसको या हरि नाम के लिए जिसको आप गुरु कहते हैं तो वाह गुरु करेंगे वो भी एक मंत्र बन जाएगा ठीक है तो जो आपको जो है जनरली क्या है जो हमारे यहाँ बैप्टिज्म होता है बैप्टिज्म हमारे यहाँ वालों के वो जो सिख रिलीजन में एक बैप्टिज्म प्रोसेस है जिससे आप जो है वो बैप्टाइज होके आप जो एक खालसा बनते हैं उस प्रक्रिया में जो है तो उससे जो मंत्र दिया जाता है वो वाह गुरु ही दिया जाता है बैप्टिज्म मतलब जनेऊ प्रक्रिया जो इक्विवेलेंट चीज है हाँ यहाँ पे प्रोसेस अलग है थोड़ा अलग है यहाँ पे क्या है कि वो हाँ यहाँ पर क्या है कि वो एक्चुअल में जो सिख जो होता है ना सब बताऊँ आपको सिख जो बेसिकली होता है इससे बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है जैसे एशियंट जमाने में जितने भी जो होते थे क्षत्रिय होते थे धार्मिक होते थे क्षत्रिय भी होते थे संत भी होते थे सिपाही भी होते थे तो सिख बेसिकली इज सपोज टू बी ए संत सिपाही हाँ मतलब नॉर्मल सिपाही का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ही शुड बी एबल टू फेस दैट सिचुएशन एज ए सिपाही राइट तो ये समुराई बोलते हैं जापानी समुराई बोलते हैं इसको सादा शरीर एक साधु का समुराई बोलते हैं यस वॉरियर अगेंस्ट लेकिन अगेंस्ट होम दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं कि आप वॉरियर बन गए तो आप किसी को भी जो है वो चले गए अगेंस्ट अनजस्टिस अगर आपके साथ में किसी के साथ में अनजस्टिस हो रहा है आप देख रहे हैं अनजस्टिस है उसके खिलाफ जो है आपको जो तैयारी करनी है वो सिपाही बनना है वो सिपाही बनना है और एज ए प्रोटेक्टर फॉर द पीपल हु आर फेसिंग यस डाउन रोडन है या जिनको परेशान किया जा रहा है या जो जिनके साथ में जैसे हो रही है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो जो आपका काम है वो है सिपाही का काम राइट तो इसलिए जो है मतलब कि जो मंत्र जो है उस पॉइंट उससे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप बैप्टिज्म होता है तो उसमें एक मंत्र दिया जाता है तो वो वाह गुरु ही मंत्र है वाह गुरु तो वो एक परमानेंट आपको जो है लाइफ के लिए एक मंत्र मिल जाता है तो आप ऐसे करते करते जो है आप एंटिटी से भी जुड़े हुए हैं और आप जो है आपका जो है वो माइंड भी कंट्रोल रहता है दोनों काम आपके साथ साथ चलते रहते हैं राइट अब इसके अलावा जो है जैसे आपने महामंत्र का जिक्र किया राइट तो हमारे ग्रंथ साहिब में भी जो है एक जगह एक जिक्र आता है कि महामंत्र क्या है महामंत्र भी डिफाइंड है हमारे यहाँ भी एक जगह लाइन एक जगह कोट है कि महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई सुनत जपत हरि नाम जस
सुनत जपत हरि नामू जस ताकि दूर बलाई। तो अब देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअल में क्या है, अब क्या है कि हरि नाम के गुण क्या है, पूरी गुरबाणी जो है वो हरि नाम के ही गुण है पूरे के पूरे, राइट। तो इसलिए जो है मतलब कि अगर आप गुरबाणी का गायन करते हैं, बेसिकली आप अगर गुरबाणी का गायन करते हैं तो दैट इटसेल्फ बिकम्स महामंत्र। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो महामंत्र ये है, बड़ा क्लैरिफाइड है कि महामंत्र किसको कहेंगे और ये मूल मंत्र क्या है। ये दो, ये भी आपको मैंने बता दिया कि मूल मंत्र हरि नाम रसायन रसायन नानक पूरा पाया भाई। वो ऐसी रसायन है कि हे नानक बता दे ऐसा सबको कि ये जो रसायन से, इस रसायन से आप जो है जो परफेक्ट एंटिटी है, जो एंटिटी जो अपने आप में एब्सोल्युटली परफेक्ट है, यू कैन गेट कनेक्टेड टू दैट रियलिटी। क्योंकि परफेक्ट तो रियलिटी है, बाकी सब तो इम्परफेक्ट है। देयर इज ओनली वन थिंग विच इज परफेक्ट, दैट इज रियलिटी इटसेल्फ। इसके अलावा सब चीजें जो है कोई ना कोई डिफेक्टिव है, right. तो इसलिए उसका जो है ना, उसको जो गुरु को जो है वो आ गया पूरा गुरु, वो तो कंप्लीट एंड परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स विदाउट एनी डिफेक्ट, करेक्ट। तो मंत्र के बारे में तो ये हमारे यहाँ जिक्र आता है गुरुवाणी के अंदर में, ठीक है। नहीं बाकी आपको गुरुवाणी का मैंने बताया कि भाई गुरुवाणी पढ़ते रहिए, पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको रियलिटी से जुड़ना है। ये तरंग है और ये तरंग का मीडियम है, राइट, रियलिटी से, अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ने का। तो मंत्र भी जो है उसका पर्पज वही है कि आप उससे अपना मन, अपने मन की तरंगों को वर्ड में रहते हुए, अपनी मन की तरंगों को कंट्रोल करके करते हुए आप उस रियलिटी से कैसे जुड़ सकते हैं, तो मंत्र उस वे में सहायक होता है। इसमें सर ऐसे माला फेरने का कोई प्रोविजन है? नहीं, माला फेरने का कोई, हमारे यहाँ रिचुअल्स का कोई वो रोल नहीं, कोई माला नहीं फेरी जाती है। नहीं, माला फेरने का कोई रोल नहीं है। अब ऐसा ये तो क्या है कि आपने देखा होगा कि ये डेविएशन हो जाता है, अगर आप माला फेरने के चक्कर में आए तो ये डेविएशन है फ्रॉम द बेसिक टेनेट्स ऑफ गुरुवाणी। क्योंकि गुरुवाणी में जो है एक बड़ा कबीरदास जी का ही शब्द है जिसमें यह है कि पाते तिलक हाथ ताना बाना माला, माते तिलक हाथ माला, लोगन राम खिलौना जाना, ऐसे करके एक शब्द भी आता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ मतलब आपने माथे में तिलक लगा लिया और हाथ में माला ले ली, आपने सोचा राम मिल गया हमारे को, ठीक है नी। तो वो क्वेश्चन करते हैं भाई ये तो कैसा योग है, लोगों ने राम को एक खिलौना जान लिया है कि तिलक लगा लो और माला जप लो तो मैं राम मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत कुछ जो है अपना सरेंडर करना पड़ता है। आपने अपने आप को जब तक सरेंडर नहीं किया, आपने अपना जो आप जो आपका अपने जो थॉट्स हैं आपने जीरो नहीं किए, और जब तक आप गुरु के थॉट से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि जो उससे जोड़ने वाला जो मीडिया है वो गुरु ही है। इसलिए गुरु की इम्पोर्टेंस है, ठीक है नहीं। इसलिए जो ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु एंड रियलिटी का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि गुरु ही आपको उसका रियलिटी का ज्ञान दे रहा है। हाँ, इसलिए कहा गया भाई रे, हाँ इसलिए कहा गया भाई रे गुरु बिन ज्ञान ना होई। इसलिए कहा था ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान लेना हो तो आपको एक गुरु की जरूरत पड़ती है, जिसके पास वो गुरु होता है, जिसके पास वो गुरु होता है और वो आपको ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, ठीक है नी। तो उस हिसाब से ये जो है मंत्र की ये इम्पोर्टेंस है। चलिए सर, आज आपने मंत्र के बारे में और सिखिज्म में इसका इम्पोर्टेंट और इसका मीनिंग बताया कि ये एक मन को तंत्र को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, और इसके जो मूल मंत्र बीज मंत्र इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर गुरुवाणी पे एक नए विषय पे हम भगत आपके साथ फिर चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर।